हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम नरेन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आस्था इंस्टीट्यूट में। जैसा कि हम आज बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर जेई के लिए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, बाकी जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। और ये सीरीज़ मैं आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बना रहा हूँ, तो शुरू करते हैं। ऑयल पम्प इज़ ड्रिवन बाय, ऑयल पम्प ड्रिवन बाय, आपका जो ऑयल पम्प होता है किसके द्वारा चलता है? तो कैम शाफ्ट, टाइमिंग गियर और क्रैंक शाफ्ट। अगर तीनों में से आपको ये पहले मिले तो कैम शाफ्ट को कनेक्ट कर देंगे, बाकी तीनों ऑप्शन हो तो तीनों के द्वारा। ठीक है। इनलेट वॉल्व ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन ओपन एट 10 डिग्री बिफोर TDC। तो देखिए, जो आपका टाइमिंग डायग्राम होता है, वॉल्व टाइमिंग डायग्राम, उससे हम समझते हैं तो इस तरीके से बना होता है वो, ये इस तरीके से। तो जो आपका ये 10 डिग्री बिफोर खुलता है, कहने का मतलब है जो वॉल्व टाइमिंग डायग्राम होता है, ये मैंने सिलेंडर बनाया उसमें पिस्टन, तो जब ये ऊपर तक पहुँचता है तो पहुँचता नहीं है, उससे पहले ही 10 डिग्री पर पहले ही ये आपका यहाँ पर इनलेट वॉल्व खुल जाता है। कहने का मतलब ये है बस। अब देखिए, ब्लू स्मोक, जब एग्जॉस्ट जो होता है पीछे लगा हुआ, कैसे कह देते हैं हिंदी में, साइलेंसर, साइलेंसर जब नीला धुआं निकले तो उसका क्या मतलब होता है? वर्निंग ऑफ लुब्रिकेंट्स, जो आपके स्नेहक हैं, कहने का मतलब ठंडा करने वाले, वो जल रहे हैं। इसका इससे पता चलता है कि हमारा जब ब्लू स्मोक निकलता है तो इससे पता लगता है कि बर्निंग ऑफ लुब्रिकेशन, जो स्नेहक है वो जल रहे हैं। ठीक है। TDC से BDC की लेंथ हमारी क्या होती है? स्ट्रोक कहलाती है। ऑटो साइकिल में हमारा क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है, और डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर रहता है। ठीक है। कंप्रेशन रिंग, जो आपकी कंप्रेशन रिंग होती है किसकी बनी होती है? क्रोमियम की बनी होती है। ठीक है। ऑयल पैन, ऑयल पैन आपका किसका बना होता है? स्टील और एल्यूमिनियम का बना होता है। सही है। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन कितनी होती है? 25 से 32%। बाकी अगर मैं बात करूँ आपसे डीजल इंजन की, तो डीजल इंजन की होती है 32 से 37%। ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ पावर फॉर इंडियन फार्मर, देखिए जो मेन अपने इंडिया में जो एग्रीकल्चर, या कहने का मतलब कृषि जो की जाती है, उसमें मैक्सिमम हम पशुओं का यूज़ करते हैं। उसमें आपका बैलों का जोड़ा हो गया, या फिर जो भैंसे होते हैं उनका यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब है जो मेन सोर्स होता है आपका बैल होते हैं, और एक बैल से आपको कितनी पावर मिलती है मैंने बताया भी था, 0.5 HP एक बैल से। बाकी अगर बैलों का जोड़ा हो जाएगा तो उससे 1 HP की पावर मिलती है। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है। सिंगल सिलेंडर यूज़ कहाँ होता है? सिंगल सिलेंडर के जो इंजन होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं? स्टेशनरी इंजन। स्टेशनरी वो इंजन होते हैं जो फिक्स होते हैं एक ही जगह पर स्थित, मतलब एक ही जगह स्थित रहते हैं। इंजेक्टर एंड फ्यूल पंप आर द हार्ट ऑफ, जो आपका इंजेक्टर और फ्यूल पंप किसका हार्ट होते हैं? वो डीजल इंजन के हार्ट कहलाते हैं आपका इंजेक्टर और फ्यूल पंप। ठीक है। ए नोच यूज इन इरीगेशन स्ट्रीम, अब देखिए नोच, नोच सुना होगा आपने हिंदी की, तो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी नोच ही बोला जाता है। जो आपका नोच होता है, नोच जैसे कि ये हो गया नोच, या फिर आपका ये नोच, आप सेल फोनों में मोबाइलों में सुनते हैं नोच, नोच डिस्प्ले, तो नोच वहीं से ही वर्ड आया है। तो नोच का जो जनरली जो यूज होता है, कहने का मतलब कि जो सामान्य तौर पे नोच यूज़ होता है वो इरिगेशन में या सिंचाई में कौन सा यूज होता है? तो वो आपका वियर्स। ठीक है। साइज ऑफ पार्सल फ्लूम इज मेजर्ड बाय, देखिए जो साइज है पार्सल फ्लूम का किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो विड्थ ऑफ थ्रोट, जो उसकी विड्थ की थ्रोट होती है उसका, उससे उसका मापन किया जाता है। ठीक है। हाईएस्ट एरिया ऑफ एल्कली सोइल, देखिए जो एल्कली सोइल होती है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो आपने इंडिया में कहाँ होता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश। ठीक है। स्टीपेस्ट एंगल ऑफ रिपोज, अधिकतम रिपोज एंगल किस सोइल में होता है? तो आपका क्ले सोइल में होता है। स्टीपेस्ट एंगल ऑफ रिपोज में अधिकतम रिपोज कोण किस में होता है? तो आपका क्ले सोइल में होता है। क्ले सोइल को क्या कहते हैं हम? चिकनी मिट्टी। ठीक है। एक्चुअल एरिया इरीगेटेड इन अ ईयर फ्रॉम एन आउटलेट, मतलब कहने का मतलब है कि जो एक्चुअल एरिया, कहने का मतलब है जो रियल में इरीगेट किया गया है एरिया पूरे एक साल के अंदर, और एक किसी आउटलेट सोर्स, कहने का मतलब है कि कोई मान लिया आपने ट्यूबवेल लगा रखा है, कोई पंप लगा रखा है, उसके द्वारा एक साल में उस पूरे एरिया को जितना पानी दिया गया है वो क्या कहलाता है? इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन का मतलब है आपकी सिंचाई की सघनता, सिंचाई की सघनता। ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आपके साथ,
कि जो ऑयल पंप है किसके द्वारा चलता है आपका, कैमशाफ्ट, टाइमिंग गियर और क्रैंकशाफ्ट के द्वारा, ठीक है। इनलेट वॉल्व और फोर स्ट्रोक इंजन ओपन हेड, जो इनलेट वॉल्व है आपका 10 डिग्री पहले खुल जाता है TDC से। कहने का मतलब है कि आपका पिस्टन पहुंचेगा नहीं, 10 डिग्री पहले ही आपका इनलेट वॉल्व खुल जाएगा, ठीक है। ब्लू स्मोक का मतलब है कि आपके लुब्रिकेंट्स जल रहे हैं। जब ब्लू स्मोक आपका साइलेंसर से निकले तो आप समझ जाइए कि आपके जो लुब्रिकेंट्स हैं, जो अपने स्नेहक तेल डाले हैं, वो जल रहे हैं। TDC से VDC की दूरी आपकी स्ट्रोक कहलाती है। ऑटो साइकिल आपकी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रहती है, डीजल साइकिल में कॉन्स्टेंट प्रेशर रहता है। कंप्रेशन रिंग आपके क्रोमियम के बने होते हैं। ऑयल पैन आपका स्टील और एल्युमिनियम का बना होता है। थर्मल एफिशिएंसी पेट्रोल की 25 से 32, और थर्मल एफिशिएंसी आप डीजल की 32 से 37%। अब मेन सोर्स ऑफ पावर, इंडियन फार्म, जो मेन सोर्स है इंडियन जो फार्मर्स के लिए यूज़ होते हैं वो आपके बैल होते हैं, बुलोक, ठीक है। सिंगल सिलेंडर कहाँ यूज होते हैं आपके, स्टेशनरी इंजन होते हैं ये, कैन यूज इन सिंगल स्टेशन। आपके सिंगल सिलेंडर ही कहाँ यूज होंगे, आपके स्टेशनरी इंजन में यूज होंगे, बस सीधे से याद रखिए। इंजेक्टर और फ्यूल पंप ये हार्ट होते हैं, किसका हार्ट होते हैं, ये आपका डीजल इंजन की। आपका नोच जो होता है, जनरल सा सामान्य नोच जो यूज़ होता है इरीगेशन सिस्टम में, वो आपका वियर होता है, ठीक है, इसको याद रखिए। साइज ऑफ पार्सल फ्लूम का मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसकी विड्थ ऑफ थ्रोट से, बस। हाईएस्ट एरिया ऑफ एल्कली सोइल, एल्कली सोइल आपकी इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में। आपका स्टीपेस्ट एंगल ऑफ रिपोज, अधिकतम कोण जो रिपोज होता है, वो कौन सी मिट्टी में होता है, क्ले सोइल, कहने का चिकनी मिट्टी। एक्चुअल एरिया इरीगेटेड इन अ ईयर, जो आपका एक्चुअल मतलब रियल में जो एरिया आपका इरीगेट किया गया है पूरे साल के अंदर। आउटलेट, आउटलेट मतलब कि किसी आउटलेट से जो आपका कुआ है, या फिर आपका ट्यूबवेल है, या फिर आपका वहाँ पर समरसेबल करवा रखा है, जो भी करवा रखा है, तो उससे एक पूरे साल में जितना एरिया आपका इरीगेट किया जाता है वो इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन कहलाती है। क्या मतलब, आपकी सिंचाई की सघनता। बस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अभी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं आप। इसका नेक्स्ट पार्ट आगे देखेंगे। बस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।